आप बता दो क्या बोलूं मैं, ऐसे बड़ी हंसी आती है हैं इंट्रो में, आप बताओ क्या बोलूं मैं। ये मामा ऐसे क्यों कर रहा है, टेक ऑफ क्यों कर रहा है क्या? ये आपने जो लिखा है क्या पता है? हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.2, और इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये राइट सर्कुलर का क्या मतलब है भाई? देखो सिलेंडर तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सिलेंडर की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा या फिर ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है? इसीलिए यहां पर राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा हुआ है। एग्जांपल क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ये देखिए आपको पेन स्टैंड नजर आ रहा है, तो ये जो पेन स्टैंड है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है? अब इसके हमें एरियाज के बारे में बात करनी है, ठीक है? अब अगर आप इसको सही से देखें तो इसमें आपको नजर आएगा ऊपर एक सर्कल और एक नीचे सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? तो इसका मतलब हमें जरूरत पड़ने वाली है सर्कल की। तो पहले सर्कल के बारे में बात करेंगे। सर्कल में सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई? 2 pi। पहले तो ये देखिए सर्कमफेरेंस होता क्या है। ये मान लीजिए सर्कल है, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और खोल दूं तो यहां से यहां तक मतलब किसकी जो बाउंड्री की लेंथ है उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और वो होता क्या है 2 pi r। आई होप कि आपको ये बात पता होगी। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एक छोटी सी चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर ये डायमीटर है और ये रेडियस है तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। इसको शॉर्ट में रेडियस इज यूजुअली डिनोटेड बाय आर एंड वेयर एज डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इसके फॉर्मूले आएंगे। ये नोट कीजिए, फिर आते हैं अपने एरियाज ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आइए बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए ये है आपका सिलेंडर, अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं और ऐसे खोल दूं, मान लीजिए ये आपके पास सिलेंडर है, मैंने इसको यहां से कट किया और इसको खोल दिया, तो खोलने के बाद होगा क्या, ये वाला पार्ट जो है वो बन जाएगा बेटा एक रेक्टेंगल, ठीक है? और अगर ये क्लोज्ड होता तो ऊपर से एक सर्कल निकलता और नीचे से भी एक सर्कल निकलता, तो ये पार्ट्स आपको मिलेंगे। अब आप पहले ये समझिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ये जो इसका साइड वाला पार्ट है ना जो घुमा हुआ है, तो ये है इसका कर्व्ड पार्ट। एक होता है लैटरल, इससे पहले जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड की वीडियो की थी उसमें आपने देखा वो लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल क्यों? क्योंकि वो फ्लैट होता है, लेकिन यहां पर जो पार्ट है वो घुमा हुआ है, कर्व्ड है, इसीलिए हम सिलेंडर के इस घूमे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है? तो देख लेते हैं जरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। अगर आप सही से देखें तो ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ये है आपकी लेंथ और ये है आपकी ब्रेथ, इज दैट क्लियर? अब अगर आप सिलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पार्ट था जब इसको काटा गया होगा तो ये जो निकला होगा, तो ये वाला जो पार्ट था वो यहां आ गया होगा, और ये क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो ये जो लेंथ है ये एक्चुअली क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब 2 pi r, और जब इसको खोला होगा तो ये एक्चुअली क्या है, इस सिलेंडर की हाइट। तो इसकी जो ब्रेथ है वो एक्चुअली क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है? तो अगर मैं इस सर्कमफेरेंस को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो, अगर आप कॉइंस ले
तो एक कॉइन के ऊपर एक और कॉइन, एक और कॉइन, एक और कॉइन रखते चले जाएं तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय एच। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ क्या है, 2πr, 2πr, और इसकी ब्रेथ कितनी है, h। तो आज से बेटा याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr इंटू h। अब बात करेंगे हम इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए टोटल सरफेस एरिया कहां पे लगेगा, अगर कोई भी चीज क्लोज्ड है, जैसे मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक होगा तो उसमें होगा क्या, चारों तरफ से इसका कर्व सरफेस एरिया भी होगा और टॉप और बॉटम भी होगा। मान लीजिए उस वुडन ब्लॉक को आपको पॉलिश करना है तो कहां कहां पर पॉलिश करोगे, एक तो उसके चारों तरफ, टॉप पर भी करोगे और बॉटम में भी करोगे, ठीक है। तो इस केस में इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक तो ये बीच वाला मतलब कर्व सरफेस एरिया 2πr इंटू एच, प्लस इस सर्कल का एरिया, यहां पर भी तो करोगे, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एक और भी तो सर्कल है इसलिए इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2πr, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर। तो ये है टी एस ए ऑफ सिलेंडर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक केस और है, ये तो फॉर्मूले हो गए आपके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के, एक केस और है। मान लीजिए इस पेन होल्डर को आपको वाइट वॉश क्यों करोगे, इसको पेंट करोगे, पेंट करोगे तो कहां कहां पर इसमें पेंट करोगे, एक तो इसके चारों तरफ पेंट करोगे मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया, और सिर्फ बॉटम में करोगे, ऊपर से तो ये खुला हुआ होता है और अगर खुला हुआ नहीं होगा तो पेन कहां से रखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस नीचे का बेस, और बेस की शेप का है सर्कुलर शेप का है मतलब पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इस पेन होल्डर का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो मिडल वाला पार्ट और नीचे का बेस का एरिया ही ऐड करेंगे। तो कई सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए सर्कल के, सर्कल का सर्कमफेरेंस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इस वाले फॉर्मूले को बिल्कुल भी मत भूल जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे अपने एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।